अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम आपके साथ सुबह की रूटीन शेयर करेंगे। आज मैं अपने बच्चों को आलू के परोठे बना के दूंगी। वो आज कह रहे थे, मामा आज हमने आलू के पराठे खाने हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब मैं आपको बना कर दिखाऊँगी। आलूओं को मैंने उबाल के अच्छी तरह इनमें नमक, दड़ा मिर्च, खुश्क धनिया, ज़ीरा साबुत ये और डाल दी हैं सारी चीज़ें। जो खुश्क मसाले हैं वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। 1 टीस्पून अजवाइन शामिल की है और इनको मिक्स करके अब मैं इसमें ये सब्ज़ सूरख मिर्च और इसमें ये प्याज डाल दूँगी। ये सारी चीज़ें प्याज और छोटे सब्ज मरे से ना बहुत ही मज़े के आलू तैयार होते हैं। यह मैंने आलूओं को अच्छी तरह उबाल के ना इनमें मैंने सुरख मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अजवैन, 2 टीस्पून इसमें खुशक धनिया और ज़ीरा शामिल किया है। और उसके बाद ये मैंने प्याज और सब्ज मिर्च और सुरख मिर्च ये शामिल कर दिए। अब इनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये सब्ज़ धनिया जो है ना और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें ये इसमें बहुत ही मज़े की लगती हैं आलूओं में। सब्ज़ धनिया मैं शामिल कर दूँगी। अब मैंने पेड़ा बना ली है। ये मैं एक पेड़े वाले बनाऊंगी पराठा। आज मेरे बच्चे कह रहे थे कि अब आज मैं हमने आलू वाले परोठे खाने हैं, तो वो मैंने मसाला तैयार कर लिया। ये मैं एक पेड़े वाला परोठा बनाऊंगी आलूओं वाला, ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये मैंने आलूओं का मसाला तैयार किया हुआ है, ये अब मैं इसके अंदर लगा लूँगी। ये मैंने फिलिंग लगा ली है पूरे। अब इसको मैं इस तरह फोल्ड करती जाऊंगी साथ साथ। बड़ा करता करती जाऊंगी ऐसे आस्ता आस्ता। हमारी बहुत ही अच्छी प्यारी प्यारी रोटी तैयार हो गई है। तो मैं थोड़ा सा ऑयल डाल लूंगी तवे के ऊपर। मैं रोटी को ऊपर डाल दूंगी। रोटी की साइड मैंने पलट दी है। अब मैं साथ में 2 पेड़ों वाली भी रोटी तैयार कर लूंगी इसी तरह। आज बच्चों का आलू वाले परोठे खाने का दिल था, तो आज मैं इन्हें परोठे खिलाऊंगी मजे के। ये मैंने 2 पेड़े वाली मैं रोटी बनाने लगी हूँ और साथ में हमारी 1 पेड़े वाली रोटी तैयार हो रही है। और
ब्राइट पलट लूंगी। ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हमारी गोल्डन गोल्डन रोटी तैयार हो गई है। ये मैं साथ साथ रोटियां बनाती जाऊंगी और बच्चों को साथ साथ देती जाऊंगी ताकि ये खाते जाए मजे मजे गरम गरम रोटियां। ये अब मैं दो पेड़ों वाली रोटी बनाने लगी हूँ। इसके अंदर फिलिंग जो आप लगाते हैं ना आलू की, ये जरा ज्यादा लगाएं फिर तब भी मजा आता है, अगर बहुत कम आलू लगाएं तो वो फिर मजा भी नहीं आता है। दूसरी साइड से भी हमारी रोटी बहुत प्यारी बन गई है। अब मैंने इसमें लगा ली है आलू और अब इसके ऊपर मैं ये दूसरी रोटी का पीस जो है वो ऊपर रखने लगी हूँ। साथ साथ हम दूसरी रोटी को भी देखते जाएंगे। हमारी बहुत ही प्यारी रोटी तैयार हो गई है। थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे ताकि ये शलोट के साथ ना चिमटे। ये एक पेड़े वाली हमारी गोल्डन रोटी तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी बनी है। हमारी बहुत ही प्यारी रोटी तैयार हो गई है। अब इसको मैं तवे के ऊपर डाल दूंगी। अब इसकी मैं साइड चेंज कर लूंगी। इस तरह रोटी की साइड पलट ली है। ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी गोल्डन गोल्डन रोटी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं हमारी कितनी प्यारी गोल्डन गोल्डन रोटियां तैयार हो गई हैं। अब बच्चों को छुट्टियां हुई हैं, इसी तरह आप भी सुबह अपने बच्चों को नाश्ता बना के दें। हेल्थी हेल्थी नाश्ता। बच्चे बहुत शौक से आलू का पराठा खाते हैं। पराठा चाहे कीमे का हो, आलू का हो, मूली का हो। ये ढाई चम्मच मैं इसमें पत्ती शामिल कर दूंगी। चीनी भी अब मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब रोटी भी हमारी साथ साथ तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी। अब हमारी रोटी बहुत ही अच्छी तैयार हो गई है। ये दो पेड़ों वाली मैंने रोटी तैयार की है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी गोल्डन गोल्डन रोटी तैयार है। अब हमारे आलू के पराठे तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरे आलू के पराठे पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।